So we were in the topic called diversity in living organism. Within diversity in living organism, I told you that there are five kingdom. We learned about five kingdom classification. Five kingdom mein se we covered four kingdoms, I guess. Monera, Protista, Fungi and Plantae. मैंने आप लोग को बताया था कि हमें किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया डिटेल में पढ़ना होगा. सो लास्ट वीक वी कवर्ड किंगडम प्लांटे, जिसमें हमने किंगडम प्लांट के फर्दर फाइव सेपरेट डिविजन्स के बारे में पढ़ा. उसमें से हमने एंजियोस्पर्म, जो लास्ट वाला डिविजन था, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन को भी देखा. एंजियोस्पर्म्स वर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट. ये उनके दो सेपरेट क्लासेस थे. हमने उनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था एंड उतना काफी है प्लांट किंगडम कवर करने के लिए. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ किंगडम एनिमलिया. अब किंगडम एनिमलिया जो है, ये एक बहुत वास्ट किंगडम है. इसमें इतने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इट माइट सीम नेवर एंडिंग. किंगडम एनिमलिया जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट फाइलम्स. प्लांट के केस में हमने देखा था फाइलम के जगह हम वर्ड डिविजन यूज करते थे. हाउएवर किंगडम एनिमलिया के केस में हम यूज करेंगे वर्ड फाइलम. सो किंगडम एनिमलिया फर्दर बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइडेड है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम आई गेस 11, टोटल 11 फाइलम्स है जो हम कंसिडर करने वाले हैं. ओके, सो किंगडम एनिमलिया फर्दर हम उसको किस बेसिस में क्लासिफाई करेंगे. जैसे कि मैंने बोला कि किंगडम एनिमलिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. कोई कोई स्पॉन्जेस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पॉन्जेस एंडिंग अप टू मैमल्स. तो इनके बीच में इतने सारे सेपरेट कैटेगरीज होते हैं दैट इट इज अ वेरी वास्ट किंगडम. सो हाउ आर वी गोइंग टू क्लासिफाई किंगडम एनिमलिया इनटू डिफरेंट फाइलम, उनको हम किस बेसिस में डिवाइड करेंगे. हमने प्लांट किंगडम में देखा था कि हमने डिफ्रेंसिएशन के बेसिस में डिवाइड किया था कि प्लांट की जो बॉडी है वो कितनी डिफ्रेंशिएटेड है. क्या वो रूट, लीव, स्टेम, इन सब में डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है. उनके सीड प्रोड्यूस होता है उनमें या नहीं होता है. ये सब बेसिस थे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए. तो एनिमल किंगडम को हम किस बेसिस में क्लासिफाई करेंगे. ओके, सो एनिमल किंगडम जो है उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डाल सकते हैं. पूरे किंगडम एनिमलिया को वी कैन क्लासिफाई इनटू टू सेपरेट कैटेगरीज, जिनको हम बोलते हैं कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट. ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस में किया गया, तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू. पर उसके पहले हम लोग किंगडम एनिमलिया के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर मेंबर जो इस किंगडम में आ जाता है उसके लिए कॉमन होगा. सो पहले तो किंगडम एनिमलिया यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना हुआ है जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं. एनिमल किंगडम में यू वॉन्ट फाइंड यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी मल्टी सेल्यूलर होंगे, जो विद यूकैरियोटिक सेल टाइप्स. उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा हेटरोट्रॉपिक होगा. इट कैन बी पैरासिटिक और होलोजोइक. होलोजोइक मतलब पूरे पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना या फिर फूड मॉलिक्यूल को कंज्यूम करना, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रोप का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है ये. सो ऑल यू हैव टू रिमेम्बर कि किंगडम एनिमलिया के जो स्पीशीज होंगे दे विल बी यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर एंड हेटरोट्रोपिक, जिनके पास सेल वॉल नहीं होगा. दे विल लैक सेल वॉल. ये जो पॉइंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किंगडम एनिमलिया का. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. मतलब मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स जो कि किंगडम एनिमलिया में होंगे, दे आर मोटाइल. वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस लोकोमोट कर सकते हैं. हाउएवर देर आर फ्यू एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन जो है, इनका नंबर बहुत माइन्यूट है, बट एक्सेप्शन आर देयर. तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो कि मूव नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड अ सेडेंटरी, जिनको हम नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं. लेकिन किंगडम एनिमलिया के लिए अप्रोप्रिएट टर्म वुड बी सेडेंटरी. सेडेंटरी मतलब एक रॉक या फिर एक सबस्ट्रेट के ऊपर चिपका रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, फाइलम्स जो है उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस में किया गया है हम वो देखेंगे. जैसे मैंने बताया था, किंगडम एनिमलिया जो है इट इज क्लासिफाइड इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट फाइलम्स, आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू स्टडी 11.
11 डिफरेंट फाइलम हम पढ़ने वाले हैं, एंड बिफोर आई बिगिन विद फाइलम्स हमें जानना पड़ेगा कि फाइलम को किस बेसिस में हमने डिवाइड किया है. सो ये 6 पॉइंट है, इसके बेसिस में हमने फाइलम्स को डिवाइड किया है. पूरे किंगडम एनिमलिया को यही 6 पॉइंट के बेसिस में हमने आगे कैटेगराइज किया है. तो सबसे पहला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का. ये मैंने पहले भी बताया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बॉडी कितनी ज्यादा किस एक्सटेंट तक डिफरेंशिएट हुई है. जैसे कि फर्स्ट लेवल जो होगा वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मीनिंग कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी एनिमल होगा, वो उसकी बॉडी जो होगी एक ग्रुप ऑफ सेल से बनी हुई होगी. हम सेल्यूलर लेवल में टिश्यू नहीं देखेंगे, तो इनकी लेवल जो होगी वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसे हम कहेंगे. मूविंग ऑन, नेक्स्ट लेवल जो होगा वो टिश्यू लेवल होगा. सेल्यूलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल आता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमारा एनिमल होगा उनमें अगर हम उनको देखेंगे तो वी कैन फाइंड टिश्यूज इन देम. सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टिश्यू लेवल होगा उसमें डिफरेंसिएशन या फिर डिविजन ऑफ लेबर जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाएगा. इट विल बी कंपेरेटिवली मोर देन सेल्यूलर लेवल. तो ये तो दो लेवल हो गए, सेल्यूलर लेवल, नेक्स्ट वॉज टिश्यू लेवल. थर्ड लेवल आएगा ऑर्गन लेवल, बिकॉज मेनी डिफरेंट टिश्यू कम टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. तो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे एनिमल्स जिनके पास ऑर्गन प्रेजेंट है दे विल बी क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट लेवल होगा उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस में पाया जाता है या फिर सभी मैमल्स में मिलता है. एग्जाम्पल ले लिया जाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ सेपरेट सिस्टम. जैसे कि हम हमारे बॉडी में देखते हैं, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सभी सेपरेट सिस्टम्स होते हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी को बनाते हैं. इन सब में बहुत ही हायर लेवल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर पाया जाता है. So that was all about organ level of organization, which was further divided into cellular, tissue, organ and organ system. So ye wala point sabhi ko clear hai. Next point jo hai hamara wo body symmetry ka hai. So body symmetry kya hoti hai? Kisi bhi animal ko agar hum uski body ko ek plane dal karke divide karenge तो वो कैसे डिवाइड होगा, इस बेसिस में हम बॉडी सिमेट्री के कैटेगरीज बनाएंगे. पहला कैटेगरी होगा एसिमेट्रिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर एसिमेट्रिक एनिमल्स का. सेकंड वुड बी रेडियल सिमेट्री. थर्ड बायलैटरल सिमेट्री. तो क्या होगा, एसिमेट्रिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे अगर हम उनके बॉडी में किसी भी एक्सिस से एक प्लेन पास करेंगे, यहां से भी पास कर सकते हैं या फिर वर्टिकली भी पास कर सकते हैं, इनकी बॉडी जो होगी वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे एसिमेट्रिक. ये एक एग्जांपल है स्पॉन्ज का जो कि एसिमेट्रिक दिख रहा है. नेक्स्ट इज रेडियली सिमेट्रिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. रेडियली सिमेट्रिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू सेंटर. ये जो इनका सेंटर है, इस सेंटर से अगर हमने एक प्लेन पास किया, कहीं से भी पास करेंगे, मल्टीपल प्लेन्स पास कर सकते हैं और हमें इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा. उनकी जो बॉडी होगी वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. इसको हम बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स. लास्ट कैटेगरी है वो बायलैटरल सिमेट्रिक एनिमल्स का है. बायलैटरली सिमेट्रिक एनिमल्स जो होंगे उनकी बॉडी से सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकती है जो उनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जो है दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. उनकी बॉडी से हम सिर्फ एक ही प्लेन पास कर सकते हैं जिससे उनकी बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिमेट्री. ये तीन कैटेगरी है सिमेट्री का जिसके बेसिस में हम फाइलम डिवाइड करते हैं. यहाँ पे बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री का इमेज है. बटरफ्लाई बायलैटरली सिमेट्रिकल है, फेरस स्टारफिश रेडियली सिमेट्रिकल है. नेक्स्ट जो दो पॉइंट है बॉडी कैविटी एंड जर्माइनल लेयर का, ये दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे बिकॉज बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड.
तो सबसे पहले तो हम जर्माइनल लेयर के बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज जर्माइनल लेयर? तो जर्माइनल लेयर ऐसे लेयर होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हम एम्ब्रियो होते हैं उस स्टेज में डेवलप होते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका एम्ब्रियो में या तो दो जर्माइनल लेयर फॉर्म हो सकता है या फिर तीन जर्माइनल लेयर फॉर्म हो सकता है. अगर दो जर्माइनल लेयर फॉर्म हुआ तो हम उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. डिप्लो मतलब टू, ब्लास्टिक मतलब जर्माइनल लेयर. तो डिप्लोब्लास्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देयर विल बी टू जर्माइनल लेयर. उन दोनों के नाम होंगे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टो मतलब ऐसा लेयर जो आउटसाइड होगा, जो बाहर की तरफ होगा, उस लेयर का नाम एक्टोडर्म रहेगा. जो अंदर की तरफ होगा बॉडी के, उसका उस लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्म. तो डिप्लोब्लास्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दो जर्माइनल लेयर होंगे, एक्टोडर्म्स एंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रिप्लोब्लास्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास तीन जर्माइनल लेयर होता है जिनसे सभी बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन आगे चल के डेवलप होंगे. तो ये जो तीन जर्माइनल लेयर होगा वो कौन कौन सा होगा? तो पहले तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, जो कि डिप्लोब्लास्टिक में भी था. एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ रहेगा, एंडोडर्म जो अंदर की तरफ होगा. हाउएवर एक एडिशनल लेयर इनमें मिलेगा जिसको हम मिजोडर्म कहेंगे, जो कि एक्टो और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा. अब बॉडी कैविटी जो होगी, बॉडी कैविटी स्पेस होती है, स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल. जो हमारा गट होता है ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक जो पाइप जाती है उसे हम गट कहते हैं, जहां पे डाइजेशन होता है. गट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहेंगे सीलोम. सीलोम मतलब कैविटी. तो हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो होते हैं उनमें सीलोम प्रेजेंट होता है और नहीं भी प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट हम ये सी वाला देखेंगे, इसे हम कहेंगे ए सीलोमेट. ए सीलोमेट मतलब गट में और बॉडी वॉल के बीच में यू वोंट फाइंड एनी कैविटी. ये एक ही कैविटी हमें नजर आ रही है, ये गट है, पर इन गट और बॉडी वॉल के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम इसे ए सीलोमेट कहते हैं. इसके बाद आता है सूडो सीलोमेट. सूडो मतलब फेक होता है और सीलोम मतलब कैविटी. तो इसका मतलब एक फेक कैविटी का प्रेजेंट होना. तो सूडो सीलोमेट में क्या होगा, जो जर्माइनल लेयर्स होंगे ये एक्टोडर्म है, यहाँ पे सबसे अंदर एंडोडर्म है, और ये जो मिजोडर्म है ये पैचेस में प्रेजेंट है. ये क्या कर रही है, जो कैविटी हमें दिख रहा है, ये जो गट है ये तो एक कैविटी हो गई. गट और बॉडी वॉल के बीच में जो एक कैविटी हमें नजर आ रही है उसे हम कहेंगे सीलोम. ये जो सीलोम है ये इंटरप्ट हुआ हुआ है यहाँ पे मिजोडर्म के वजह से, इसीलिए इसे हम सूडो सीलोम कहेंगे. ये फेक सीलोम दिखा रहा है, इंटरप्टेड सीलोम दिखा रहा है, कंटिन्यूअस सीलोम नहीं दिखा रहा है. सो दिस विल बी सूडो सीलोम. लास्ट कैटेगरी आएगा ट्रू सीलोम का, या फिर सीलोम हम कहेंगे, सीलोमेट एनिमल्स. इसमें क्या होगा, गट के बीच में ये गट है और ये बॉडी वॉल है, इसके बीच में एक कंटिन्यूअस कैविटी हमें नजर आएगी. सो दिस विल बी ट्रू सीलोम. ये तीन था, ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट एंड सीलोमेट. इसके बेसिस में हम फाइलम्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं. सो जर्माइनल लेयर और सीलोम, ये दोनों टर्म सभी को समझ में आ गया? एवरीवन, ओके. यहाँ पे एक और इमेज है. ओके, जर्माइनल लेयर. ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन. यहाँ पे हम एग्जांपल देख करके समझेंगे फिर से. यहाँ पे एक ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, सूडो सीलोमेट का एग्जाम्पल है और सीलोमेट का एग्जाम्पल है. ए सीलोमेट के केस में क्या होगा, गट और बॉडी वॉल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, सीलोम एब्सेंट होगा. मूविंग ऑन टू सूडो सीलोमेट. सूडो सीलोमेट के केस में क्या होगा, गट और बॉडी के बीच में देर विल बी पैचेस. यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने मिजोडर्म को थिक कर दिया है, ये जो बीच वाला लेयर है इसको थिक कर दिया गया है. हाउएवर सूडो सीलोमेट में हम पैचेस भी देखते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेपरेट पैचेस होंगे. सीलोमेट के केस में अगर हम बॉडी का सीलोम हम देखें ऐसे प्लेन डाल के क्रॉस सेक्शन,
तो हमें दिखेगा एक कंटिन्यूअस कैविटी, बॉडी वॉल और गट के बीच में एक कंटिन्यूअस कैविटी नजर आएगा. सो इट विल बी सीलोमेट. जर्म लेयर के बारे में, जर्माइनल लेयर के बारे में, जब हमारी बॉडी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तब हमारी बॉडी लेयर्स में डिवाइड हो जाती है. किसी भी एनिमल की बॉडी लेयर में डिवाइड हो जाएगी. तो इन जब बॉडी में दो ही लेयर बनेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम, दो लेयर फॉर्म होगा, तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो दो लेयर फॉर्म होते हैं उनको एंडोडर्म और एक्टोडर्म कहा जाता है. एक और कैटेगरी होती है जिनमें एम्ब्रियो जो है वो तीन जर्माइनल लेयर फॉर्म करेगा, मतलब तीन जर्म लेयर फॉर्म होंगे और उन लेयर से ही टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है वो बनेगा. ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके केस में जो तीन लेयर होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और बीच वाला एक मेसोडर्म. बस इतना ही हमें जर्माइनल लेयर में ध्यान में रखना है कि वो या तो डिप्लोब्लास्ट हो सकता है या फिर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है. ओके, तो ये जो दो पॉइंट था, जर्माइनल लेयर और सीलोम, बस यही कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी सभी बेसिस बहुत इजी है. तो नेक्स्ट वन, हाँ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हॉर्स है या फिर कोई भी मैमल, सभी मैमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. उसमें तीन जर्म लेयर हमें देखने मिलेगा. ये जो है आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म और बीच में जो ग्रीन वाला है दैट इज लिविंग मेसोडर्म. लेकिन डिप्लोब्लास्टिक के केस में जो बीच का एक लेयर नजर आ रहा है वो मेसोडर्म नहीं है, वो एक नॉन लिविंग लेयर है. नेक्स्ट कैटेगरी है फिफ्थ वन, मेटामेरिज्म का. मेटामेरिज्म मतलब होता है सेगमेंटेशन. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है उन्हें हम बोलेंगे मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म या फिर सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म. बस यही है मेटामेरिज्म. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और वो सेगमेंट कोइंसाइड कर रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो उन्हें हम मेटामेरिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे. और लास्ट कैटेगरी है नोटोकॉर्ड का. नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड होता है जिसका फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना. ये किससे बना हुआ होता है? तो ये एक कार्टिलेज के जैसे ही सिमिलर मटेरियल से बना हुआ होता है. अब नोटोकॉर्ड जो होता है ये ब्रॉडली किंगडम एनिमल किंगडम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर देगा. ऐसे कैटेगरी जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उन्हें हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे. नॉन कॉर्डेट्स जो है उनको इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है. और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड, ये रॉड जो है वो प्रेजेंट होगा एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ. ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट उनकी लाइफ में उनके पास नोटोकॉर्ड हो. अगर उनके पास लार्वल स्टेज में भी एक प्रॉपर नोटोकॉर्ड आ जाता है तो हम उन्हें कॉर्डेट में क्लासिफाई कर देंगे. तो नोटोकॉर्ड के बेसिस में वी आर डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर डिवाइडिंग एनिमल्स इंटू नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो नोटोकॉर्ड इज ए फ्लेक्सिबल रॉड विच इज मेड अप ऑफ मटेरियल सिमिलर टू कार्टिलेज. बस ये जो छह डिफरेंसेस बेसिस हमने देखे, इन्हीं के ये जो पॉइंट्स है हमें वही ध्यान में रखना है. स्पेसिफिकली ये जो ऊपर के चार पॉइंट है इस बेसिस में हम बहुत सारे फाइलम क्लासिफाई कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट फाइलम नाउ. और हम ये सभी बेसिस देखने वाले हैं उसमें. ओके, यहाँ पे फाइलम के बारे में दिए हुए हैं, फाइलम के नाम दिए हैं जो हमें पढ़ना है और उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट फाइलम हम परिफेरा पढ़ेंगे और लास्ट फाइलम हमारा कॉर्डेटा होगा. और उनके बीच में बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, बहुत सारे फाइलम्स आ जाते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद परिफेरा. ये जो है ये पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है. पॉरीफेरा जो होते हैं उन्हें हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं. कॉमन नेम उनका स्पॉन्जेस होता है. पॉरीफेरा ये जो नाम है इसका मतलब ऐसे लिविंग, ऐसे एनिमल जिनके पास पोर प्रेजेंट हो, इसीलिए उनका नाम पॉरीफेरा रखा गया. तो ये एक एग्जाम्पल है. इसकी बॉडी को देख के आप लोग बता सकते हैं कि इसकी बॉडी सिमेट्री क्या होगी? अगर हमने एक प्लेन पास किया तो ये एसिमेट्रिक होगा, रेडियली सिमेट्रिक होगा या फिर बायलैटरली सिमेट्रिक होगा? यस आलम, इट इज एसिमेट्रिक. हाँ, इसकी बॉडी इररेगुलर है जो कि प्रॉपर सिमेट्री हमें नहीं देगी.
तो पॉलीफेरा जो होते हैं ये वन एंड ओनली फाइलम होगा जिसमें हमें मेजॉरिटी एनिमल्स जो मिलेंगे वो एसिमेट्रिक मिलेंगे। हाउएवर इस फाइलम में रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपल्सरली यहाँ पे एसिमेट्रिक एनिमल्स हो, बट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर एसिमेट्रिक। एक और एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस का, वो ये है, ये हमने देखा होगा कोरल रीफ में सेडेंटरी स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। सेडेंटरी मतलब ये नॉन मोटाइल है, दे आर अटैच टू अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट सी का फ्लोर हो सकता है या फिर रॉक हो सकता है या फिर दूसरे कोरल बॉडीज हो सकते हैं। सो दीज एनिमल्स दे आर नॉन मोटाइल। अब एक क्वेश्चन है, हमने देखा था प्लांट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड का इंतजाम कर लेते हैं, पर इनके केस में ये लोग तो हेटरोट्रोपिक है, ये लोग अपना फूड कहाँ से लाएंगे, ये लोग भी नॉन मोटाइल है, ये लोग मूव नहीं कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है कि इनको फूड कहाँ से मिलेगा? यस आलम, जू प्लैंकटन इनका फूड होता है, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन जो कि प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्टा जिनके बारे में हमने पढ़ा था, डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह, ये सब इनके फूड होते हैं। लेकिन ये इनको वो फूड इनके पास आता कहाँ से है? ओके वेट, सो फूड जो होता है ये लोग उसको अपने पोर्स से वाटर में से निकाल लेते हैं। इनका जो पोर होता है, हमने इनका नाम पढ़ा था पॉरीफेरा है, मीनिंग इनके पास बहुत सारे, इनके बॉडी में पोर प्रेजेंट है। ये जो पोर्स होते हैं ये वाटर को, अपने सराउंडिंग के वाटर को उससे अंदर खींचता है, और जो वाटर में सस्पेंडेड जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, अंदर जाएगा तो इनका सेल्फ फिल्टरेशन यूनिट के जैसा काम करेगा और वो फूड को फिल्टर कर देगा, और जो वाटर होगा वो यहाँ से, ये जो बाहर ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये लोग ऐसे फूड को कैप्चर करते हैं। ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को वाटर कैनल सिस्टम बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस का। ये रहा इनका, लेबलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस मैंने दिखाने के लिए फोटो डाला है। यहाँ से वाटर इंटर करेगा, ये जो पोर्स है इनकी बॉडी में, और फिल्टर होकर के वाटर वापस बाहर चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस होता रहता है इनके बॉडी में। अगर हम वाटर के ऊपर डाई डाल देंगे तो वी कैन ऑब्जर्व कि ये लोग कैसे वाटर को अंदर ले रहे हैं और यहां से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा जिनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस होता है, अराउंड 3000 to 5000 स्पीशीज है इस फाइलम में। ये लोएस्ट मल्टीसेल्युलर एनिमल सबसे पहला फाइलम है और सबसे लोएस्ट मल्टीसेल्युलर एनिमल होगा। इनकी बॉडी जो होगी वो टिश्यू लेवल पे डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा इट विल बी सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ग्रुप ऑफ सेल रहेगा जो एक एसिमेट्रिक या फिर रेडियली सिमेट्रिक बॉडी बना रही होगी। इनका नेम पॉरीफेरा है, मीनिंग दे हैव पोर, दे आर पोर बेयरिंग एनिमल्स। Poriferans are loosely organized. Loosely organized का मतलब है they are not properly organized and differentiated into tissues. They are mostly marine. Porifera जो होंगे वो aquatic होंगे. Aquatic में most of the species will be marine. However, कोई कोई species होंगी जो you can find in fresh water. They are either radially symmetric or asymmetrical. उनके पास कोई भी organ नहीं होगा और उनका level of organization cellular होगा। ये था, ये समरी है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिमेट्री के बारे में बताया गया है। सीलोम जो होता है, सीलोम और जर्माइनल लेयर, ये जो दो पॉइंट है ये टिश्यू लेवल से हमें देखने मिलेगा, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल से हम देखेंगे। सेल्युलर लेवल में देयर इज नो पॉइंट ऑफ सीलोम, जब टिश्यू बन ही नहीं रहा है तो सीलोम कहां से आएगा? सो सीलोम एब्सेंट होगा इसमें, दे विल बी ए सीलोमेट, या फिर सीलोम एब्सेंट ही बोल दो। दे आर नॉन मोटाइल एंड सेडेंटरी, या फिर सेडेंटरी, मोस्टली मरीन होते हैं, दो फ्यू आर फ्रेश वाटर। इनका हमने देखा वाटर कैनल सिस्टम जो है वो हेल्प करता है सर्कुलेशन में और फूड कैप्चरिंग में। और वाटर कैनल सिस्टम मैंने बताया था, वो उनके पोर्स से वाटर एंटर करेगा और उनके टॉप में से वाटर निकल जाएगा। एग्जाम्पल है साइकॉन, स्प
स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला. वो जो ग्रीन वाला इमेज था ये है स्पॉन्जिला. तो ये एग्जांपल्स हैं, ये सभी को कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट फाइलम. इसके बाद जो हम फाइलम देखेंगे वी विल सी कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया. इम्प्रूवमेंट नहीं मतलब थोड़ा अपग्रेड हो गया है वो. सेकेंड फाइलम जो है उसको हम कहते हैं सिलेंटरेटा, या फिर उसका दूसरा नाम है निडारिया. तो सिलेंटरेट में जो हम देखेंगे वो थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा. यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने मिलेगा, मीनिंग सेल्स जो होंगे वो ग्रुप फॉर्म करके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे. सब अपना अपना ग्रुप फॉर्म कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म अ टिश्यू. सो वी कैन सी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिलेंटरेटा. सिमेट्री जो होगी वो रेडियल सिमेट्री देखी जाएगी. ए सिमेट्री जो था वो पेरिफेरा तक ही लिमिटेड था. अभी यहां से हम रेडियल या तो बायलैटरल देखेंगे. इन केस ऑफ सिलेंटरेटा दे हैव रेडियल सिमेट्री. टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी बॉडी जो होगी इट विल बी डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगा उनकी एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सम आर सॉलिटरी व्हाइल अदर्स आर कोलोनियल. इसका मतलब होता है कि विद इन फाइलम निडेरिया कोई कोई एनिमल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, कोई कोई स्पीशीज जो अकेले रहते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ सॉलिटरी कंप्लीट कर लेते हैं. वेरास कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई कोई एनिमल ऐसे होंगे इस फाइलम में जो कि अपने ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स के साथ कॉलोनी बना करके रहेंगे. सो दे कैन ऑल्सो बी कोलोनियल. अब ये पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा. सिलेंटरेटा में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स जो है वो सेडेंटरी हो. आधे सेडेंटरी होंगे तो आधे फ्री लिविंग होंगे. फ्री लिविंग मतलब दे वोंट बी बाउंड टू अ सबस्ट्रेट, रॉक या फिर लैंड में वो चिपके हुए नहीं होंगे. सो दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी सेडेंटरी. एक्वेटिक हैबिटेट एग्जिबिट करेंगे, मोस्टली मरीन होंगे, दो फ्यू कैन बी फ्रेश वाटर, सिमिलर टू स्पॉन्जेस. एग्जाम्पल है हाइड्रा, सी एनेमोन और जेलीफिश. जेलीफिश तो सभी को पता होगा. हाउएवर हाइड्रा जो है वो हमने 10th लेवल में हमने देखा होगा परमानेंट स्लाइड में. इनका लेंथ जो होगा, साइज होगी इनकी मिलीमीटर में होगी. तो वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप प्रॉपरली. अभी इसका समरी देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स मैंने मेंशन किए हैं. सिलेंटरेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनका जो माउथ होगा ना, उनके माउथ में टेंटैकल्स होंगे, टेंटैकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे जेलीफिश में होता है. जेलीफिश में भी लंबे लंबे टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं. कि बॉडी में कैविटी होगा, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होगा. पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास नर्वस कंट्रोल नहीं है. दे पोजेस अ प्रॉपर नर्वस कंट्रोल, लेकिन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होगा. वो लोग नर्वस कंट्रोल दिखाते हैं, दे हैव डिफेंस मैकेनिज्म इन देयर बॉडी. अगर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको अप्रोच करे जो कि उनको हार्म कर सकता है, तो उनका जो टेंटैकल है उनमें डिफेंस मैकेनिज्म होता है. एक स्पाइनी सेल्स होते हैं जो कि इंजेक्ट कर देगा टॉक्सिन इनटू द बॉडी ऑफ द अप्रोचिंग हार्मफुल एनिमल. ओके, सो दे एक्सक्रीट एंड रेस्पायर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था. डिफ्यूजन सिंपल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा along the concentration gradient. ये energy consuming process नहीं होगा. Mode of reproduction it is asexual majority. However, sexual mode of reproduction कहीं कहीं देखा जाता है सिलेंटरेट्स में. ये एक एग्जाम्पल है फाइंडिंग नीमो जो मूवी है उसमें जो नीमो का घर था ये होता है सी एनेमोन. इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इस एनिमल को हम सी एनेमोन बोलते हैं और ये एक सिलेंटरेट है. यहाँ पे हम टेंटैकल्स देख रहे हैं. इसके जो माउथ है इसमें बहुत सारे टेंटैकल्स प्रेजेंट है. अब बात ऐसी है कि ये जो फिश है, ये फिश को हम क्लाउन फिश बोलते हैं जो नीमो था. क्लाउन फिश को इनके टेंटैकल्स इंजेक्ट नहीं करेंगे टॉक्सिन से, क्योंकि क्लाउन फिश और सी एनेमोन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हमने पहले बहुत सारे देखे हुए हैं. इस केस में क्या होता है, सी एनेमोन जो है वो फिश को शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है
और फिश जो है, क्लाउन फिश जो है, वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट. तो सी एनेमोन एंड क्लाउन फिश, दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नेक्स्ट है हाइड्रा और जेलीफिश. हाइड्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखेगा, ये उसके टेंटैकल्स होंगे. और ये रहा जेलीफिश. तो ये था फाइलम सिलेंटरेटा. अभी एक सिमिलर फाइलम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी सिमिलर होगा सिलेंटरेटा से. उस फाइलम का नाम है टीनोफोरा. टीनोफोरा का निक नेम हम कह सकते हैं कोम जेलीज है. कोम जेली बिकॉज दे हैव कोम्ब लाइक अपीयरेंस. और जेलीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये लोग मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं. अभी डिफरेंस क्या है, मैंने बोला था कि ये और सिलेंटरेटा दोनों काफी सिमिलर है, मीनिंग ये लोग भी रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, वो सब फीचर्स सेम होगा. तो डिफरेंसेस क्या है, दैट वी विल डिस्कस हियर. फाइलम टीनोफोरा के जितने स्पीशीज होंगे वो हमेशा मोटाइल होंगे, कभी सेडेंटरी नहीं होंगे. सिलेंटरेट के केस में सी एनेमोन सेडेंटरी था, जेलीफिश फ्री लिविंग था, पर ये हमेशा फ्री लिविंग या फिर मोटाइल होंगे. इनका नाम कोम जेलीज है, एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे. सिलेंटरेटा के केस में हाइड्रा जो था, दे कैन अकर इन फ्रेश वाटर. हाउएवर टीनोफोरा के जो कुछ तो 300 स्पीशीज है जो टीनोफोरा में क्लासिफाई होते हैं, वो सभी एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे. स्पीशीज जो है इनके मेंबर बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिट करेंगे. बायोल्यूमिनेसेंस मतलब एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका एग्जाम्पल हमने प्रोटिस्ट में भी देखा था और बैक्टीरिया में भी देखा था. एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा इज सी गूजबेरी, जिसका साइंटिफिक नेम प्लूरोब्रैकिया है. दूसरा एग्जाम्पल सी वॉलनट है. सी गूसबेरी जो है वो ऐसा दिखेगा. ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है. ये रेडियली सिमेट्रिकल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और ये बायोल्यूमिनेसेंस भी एग्जिबिट करेगा. सो ये था टीनोफोर. तो ये जो तीन फाइलम थे वो सभी को क्लियर हो गया है, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा और टीनोफोरा. क्योंकि जो अब नेक्स्ट फाइलम है वो प्लैटीहेल मेंथिस है, और उसमें हम बहुत सारा प्रमोशन देखेंगे, बहुत सारा अपग्रेडिंग पॉइंट्स देखेंगे. प्लैटीहेल मेंथिस में बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे. जो तीन फाइलम में थे उसके अपग्रेडेड मॉडल, अपग्रेडेड वर्जन हो कह सकते हैं इसको हम. प्लैटीहेल मेंथिस का कॉमन नेम इज फ्लैट वॉर्म्स. फ्लैट वॉर्म इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये फ्लैट होते हैं. इनमें हम पहला तो देखेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, मीनिंग प्लैटीहेल मेंथिस में ऑर्गन्स मिलेंगे हमें, टिश्यू लेवल से प्रमोट होके ऑर्गन लेवल हमें इसमें नजर आएगा. नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री आ जाएगी. अभी तक हमने फाइलम जितने देखे थे, पॉरीफेरा एसिमेट्रिक था और बाकी के दो टीनोफोरा और निडेरिया, ये दोनों रेडियली सिमेट्रिक थे. हाउएवर प्लैटीहेल मेंथिस से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाएगी. वंस अगेन जर्माइनल लेयर और सीलोम में भी, जर्माइनल लेयर में हमें प्रमोशन मिलेगा. टीनोफोरा और निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा. मीनिंग प्लैटीहेल मेंथिस के एम्ब्रियो में देर वेर थ्री सेपरेट जर्म लेयर्स, इसीलिए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है पर ए सीलोमेट है, मीनिंग इसके गट और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं मिलेगा. बॉडी फ्लैटेंड होगा लीफ के जैसा, पर सेगमेंटेशन विल बी एब्सेंट. सेगमेंटेशन जब आएगा आई विल लेट यू नो, पर अभी सेगमेंटेशन जो है मेटामेरिज्म वो नहीं देखने मिलेगा. दे आर हर्माप्रोडाइट. हर्माप्रोडाइट का मतलब एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंट होना, दैट इज हर्माप्रोडाइट. हर्माप्रोडाइट एनिमल है, इसीलिए दे शो सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल बोथ रिप्रोडक्शन, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. नेचर में बोले तो दे आर फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक. पैरासाइट एज अ पैरासाइट भी ये लोग अकर करते हैं, और कोई कोई स्पीशीज फ्री लिविंग भी होती है. एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल हमने देखा है प्लेनेरिया. ये एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, रीजेनरेशन, उसमें प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया जाता है. नेक्स्ट इज फैसिओला, जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं. ये पैरासाइट होता है लिवर के ऊपर, मैमल्स के लिवर में ये पैरासाइट होता है. नेक्स्ट इज टेप वॉर्म.
टेप फॉर्म के भी बारे में हमने सुना होगा, जो हम कभी कभी सुनते हैं कि वॉमिटिंग में उल्टी में सांप निकला है, दिस इज दैट स्नेक. वो एक एक्चुअल स्नेक नहीं होता जो निकलता है, वो प्लैटिहेलमिन्थिस होते हैं. और इसके बाद वाले फाइलम के भी कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जो कि ह्यूमन में ह्यूमन को पैरासिटिक होते हैं, ह्यूमन को होस्ट बना करके एज अ पैरासाइट रहते हैं उनके बॉडी में. ओके, सो इनका एडिशनल फीचर्स डिस्कस किया जाए तो दे आर डिवॉइड ऑफ एनस. इनके पास सिर्फ माउथ होगा, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है. दिस इज कॉमन टू टीनोफोरा एंड निडेरिया एज वेल. उनकी बॉडी में सिर्फ हमें एक ही ओपनिंग नजर आएगा, दो प्रोमिनेंट ओपनिंग नहीं होंगे. रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन से होगा. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होगा. हाउएवर अगर हम कंपेयर करें विथ पॉरीफेरा, टीनोफोरा, निडेरिया, इनका लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उनसे कंपेयर किया जाए. तो इनके केस में क्या होगा, हमें लार्वा जो है वो मोर देन वन नजर आएगा. अब लार्वा क्या होता है, तो लार्वा एक ऐसा स्टेज होता है बिटवीन एग एंड द एडल्ट ऑफ द स्पीशीज, जो कि ना एग को रिजेंबल करेगा ना तो एडल्ट को रिजेंबल करेगा. इस स्टेज को हम लार्वल स्टेज कहते हैं. लार्वा को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल फ्रॉग का लिया जाता है. फ्रॉग जो है उनके जब एग्स हैच होते हैं तो वो डायरेक्टली फ्रॉग नहीं होते, वो टैडपोल के एक फेस से क्रॉस होते हैं. टैडपोल्स जो होते हैं वो फ्रॉग के जैसे बिल्कुल नहीं दिखेंगे. वो आप लोगों को पता है कि टैडपोल फ्रॉग का यंगर वर्जन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक ही स्पीशीज है. पर अगर किसी ने किसी को नहीं पता हो और किसी को टैडपोल और फ्रॉग दिखाया जाए तो दे वोंट बी एबल टू से कि ये दोनों एक ही स्पीशीज है. तो ऐसे स्टेज को हम लार्वल स्टेज बोलेंगे. प्लैटिहेलमिन्थिस मल्टीपल लार्वल स्टेज दिखाते हैं. एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लार्वल स्टेज दिखाता है, जिसका कॉमन एग्जांपल हम कॉमनली एग्जांपल लेते हैं, वो है बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई दिखाएगा, बटरफ्लाई एंड मॉथ दे एग्जिबिट अ लार्वल स्टेज जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर. करेक्ट शुभम, बटरफ्लाई. सो दे पोजेस द क्वालिटी ऑफ रीजनरेशन. ये मैं दिखाऊंगी, प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन दिखाता है. ये एक पॉइंट है. फ्लेम सेल्स एक तरह के सेल होते हैं जो कि प्लैटिहेलमिन्थिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. वो उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे. नर्वस सिस्टम जो है इनमें थोड़ा इलेबोरेट होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइलम्स. इनके केस में यहाँ पे ब्रेन वर्ड यूज किया गया है, पर इनके पास जो चीज होती है उनको ब्रेन नहीं कहा जाता है. वो बस एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होगा, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल होगा. बहुत सारे नर्व सेल एक साथ आके एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड जैसे दिखने वाले नर्व कॉर्ड से अटैच होगा. नर्व कॉर्ड जो होगा वो लैडर लाइक होगा. इट इज नोवेयर नियर वेल डेवलप्ड एज इन केस ऑफ मैमल्स. इनका बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है. ये रहा एग्जांपल रीजनरेशन इन केस ऑफ प्लेनेरिया. ये रहा प्लेनेरिया. अगर क्या होगा, प्लेनेरिया किसी भी फिजिकल मेथड से अगर उसकी बॉडी के पीसेस हो गए तो एक जो इंडिविजुअल पीस होगा वो पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा. इस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं रीजनरेशन. सो प्लेनेरिया एग्जिबिट रीजनरेशन. एक और एग्जांपल यहाँ पे टेप वॉर्म का दिया हुआ है. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टेप वॉर्म है. ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलेगा. ओके, सो ये जो प्लेनेरिया था दिस इज फ्री लिविंग. हाउएवर टेप वॉर्म ये पैरासिटिक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्लैटिहेलमिन्थिस. अब प्लैटिहेलमिन्थिस से ही सिमिलर एक और फाइलम है जिसको हम निमेटोडा बोलते हैं या फिर एस्केलमिन्थिस बोलते हैं. एस्केलमिन्थिस का निक नेम इज राउंड वॉर्म. प्लैटिहेलमिन्थिस फ्लैट वॉर्म था, ये लोग जो है ये लोग राउंड वॉर्म उन्हें हम कहेंगे. इनके केस में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. हाउएवर क्या होगा, ऑर्गन जो है वो ऑलमोस्ट सिस्टम बनने वाला है. इनके केस में ये एक तरह के कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऐसे एनिमल्स जिनके पास ऑर्गन है और ऐसे एनिमल्स जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है. ये उनके बीच में है, ये डेवलप कर रहा है ऑर्गन सिस्टम. इसीलिए कोई कोई बुक्स में, कोई कोई रेफरेंसेस में हम देखेंगे कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम भी बताया गया है. ओके, नेक्स्ट इज इनमें बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी. ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मैंने बताया था. प्लैटिहेलमिन्थिस के बाद जितने भी
फाइलम है, सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर हमें मिलेगा। और हाउएवर ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अकेला फाइलम जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सूडोसिलोमेट है। दिस इज द ओनली फाइलम विच इज सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोम सभी को याद है कैसे जो सीलोम था वो कंटिन्यूअस नहीं था, पैचेस थे उसमें मिजोडर्म के। सो दिस इज द ओनली फाइलम विच वी आर स्टडिंग जो कि सूडोसिलोमेट है। प्लैटीहेलमिन्थस वॉज ए सीलोमेट। इनके केस में एलिमेंट्री कैनल जो है वो डिस्टिंक्ट है विथ टू डिफरेंट ओपनिंग। इनका माउथ अलग होगा और एनस जो है वो अलग होगा। यू कैन सी टू सेपरेट ओपनिंग्स। दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे। और डायमॉर्फिज्म मतलब यू कैन आइडेंटिफाई देम। हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ओके, तो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एब्सेंट है इनके केस में। दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। राउंड वर्म इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है और इलोंगेटेड होती है। अभी एस्केलमिन्थेस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हाउएवर थोड़े बहुत होते हैं जो कि बहुत ही नोटोरियस डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन्स के केस में। ये डिजीज होता है बिकॉज दे आर पैरासिटिक। ये जो निमेटोड्स होंगे जो ह्यूमन के केस में डिसऑर्डर्स कॉज कर रहे हैं, दे विल बी पैरासिटिक निमेटोड्स जो कि ह्यूमन को और अदर मैमल को एज अ होस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम दो देखने वाले हैं, एक एस्कैरिस है और एक बुशेरिया है। ओके, सबसे पहले बुशेरिया। बुशेरिया का पूरा नाम बुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई है और ये जो है ये एक नोटोरियस ट्रॉपिकल डिसऑर्डर डिजीज है जिसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, वो कॉज करता है ह्यूमंस के केस में। अभी एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम फिलेरियासिस भी होता है। फिलेरियासिस जो है हम लोग जस्ट लाइक मलेरिया, लोग कहते हैं कि ये मॉस्किटो से होता है, बट मॉस्किटो जो है इट इज ओनली अ वेक्टर। मॉस्किटो जो होगा इट विल ओनली एक्ट एज अ वेक्टर। वो क्या करेगा, बुशेरिया के जो एग्स है मॉस्किटो में पहले से ही प्रेजेंट होंगे और वो आकर के उन्हें हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर देगा। सो मॉस्किटो इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियासिस इज बुशेरिया। बुशेरिया के जो एग्स होंगे वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे और फिर वो माइग्रेट करेंगे हमारे लिम्फैटिक सिस्टम में। हमारे बॉडी में दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम चलते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक लिम्फैटिक सिस्टम होता है। ये लोग जो है ये लोग लिम्फैटिक सिस्टम में इंटर करेंगे और हमारे स्पेसिफिकली लेग्स जो होते हैं वहां पे ये लोग जाते हैं और वहां पे जाकर के आराम से ग्रो होंगे। और जब ये लोग ग्रो होने लगेंगे तो हमारा लिम्फ जो है वो स्वेल होने लगेगा। यस पूजा, इसको फिलेरियासिस या फिर फिलेरियल वॉर्म्स कहते हैं। बुशेरिया का दूसरा नाम फिलेरियल वॉर्म्स होता है और ये कॉज करता है फिलेरियासिस। लिम्फेटिक नोड में इंटर करने के बाद ये लिम्फेटिक नोड में ग्रो करेंगे और वो स्वेल हो जाएगा और ऐसा स्वेल्ड अपियरेंस देगा। दूसरा डिजीज है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस कॉज करता है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है उसमें वी सी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीनिंग यू कैन टेल कौन सा वॉर्म मेल है और कौन सा फीमेल है। मेल वॉर्म्स जो होंगे उनकी लेंथ बहुत छोटी होगी और उनका जो टेल है वो कर्व्ड होगा। हाउएवर फीमेल्स जो है वो काफी लंबे होंगे एज कम्पेयर टू मेल। और ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलेंगे और वहां पे ही ये ग्रो होते हैं। ये इनका ये हमारे बॉडी में इंटर कैसे करते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इंटर करेंगे। तो ये दो एग्जांपल्स थे एस्केलमिन्थेस का, राउंड वर्म्स का। तो प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस दोनों सिमिलर है एक दूसरे से। नेक्स्ट फाइलम जो है वो है एनेलिडा का। एनेलिडा को हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो पॉइंट था वो आ जाता है। एनेलिडा जो होंगे वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाएंगे। उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी और एक्सटर्नल सेगमेंट जो है, जो हमें बाहर से नजर आ रहा है, वो इंटरनली डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कोइंसिडेंट होगा। तो एनेलिड्स जो है उनके केस में ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लियर कट हमें मिलेगा। जो ऑर्गन्स है वो एक साथ आके एक सिस्टम बनाएंगे एंड वी विल सी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हियर ऑन।
bilateral symmetry दिखाएंगे, triploblastic होंगे and they will be true coelomate. इनके पास true coelom होगा, body में cavity present होगी between gut and the body wall. इन दोनों के बीच में एक space present होगा जहां पे सभी organ system होंगे located. तो ये true coelomates होंगे. First phylum है जो true coelomate है and they will be triploblastic. अभी से plateal menthes से जितने phylums है they will all be triploblastic. Metameric segmentation होगा इनमें. Habitat जो है वो aquatic भी होगा as well as terrestrial भी होगा. Land में भी मिलेंगे और water में भी मिलेंगे. इनके पास circulatory और digestive system जो है वो काफी well developed है. इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि इनके बॉडी को एक्सटर्नली रेड कलर का अपीयरेंस दे देती है क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है. एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है और लीचेस है. ये जो दोनों है ये एग्जाम्पल है. अर्थवॉर्म जो है वो फ्री लिविंग है, लीच जो होता है वो पैरासाइट होता है. लीचेस आर एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस में अटैच होंगे. एस्कैरिस जो था वो एंडोपैरासाइट था, वो बॉडी के अंदर पैरासाइट है, ये बॉडी के बाहर अटैच होगा मैमल्स के इंक्लूडिंग ह्यूमंस. और लीचेस जो है वो ब्लड सकिंग पैरासाइट है. ब्लड सकिंग पैरासाइट के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है सैंग्वीवोर. सैंग्वीवोर जो वर्ड है वो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स के लिए यूज करते हैं. तो ये इनके फीचर्स थे एनालिड्स के. ये रहा लीच. लीच के बॉडी में हमें सेगमेंट नजर आ रहा है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो और क्लियरली हम देख सकते हैं. और ये था अर्थवर्म. अर्थवर्म के भी केस में यू कैन सी सेगमेंट, मेटामरिज्म उसमें भी दिख रहा है. लीचेस जो होते हैं ये ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म से मैंने बोला था. तो लीच जो होगा उसके पास एक, उसके माउथ में एक स्पेशल फीचर होगा जिसको सकर कहा जाता है. वो अटैच जब होगा किसी भी मैमल के या फिर ह्यूमन के बॉडी से तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही जेंटली डेलिकेटली अपने सकर को इंसर्ट कर देगा बॉडी में. और ये जब करेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमसे, मतलब हमारे बॉडी में लीच अटैच हो गया है. वो इतने डेलिकेटली अपना सकर इंसर्ट करेगा. और इसके पास एक क्या बोलते हैं, केमिकल, एक केमिकल होगा जिसको हीरोडिन कहते हैं. हीरोडिन जो होता है वो एक बहुत ही फेमस एंटीकोगुलेंट है. अभी लीच, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है वुंड को बंद करने की. अगर पंचर होता है हमारे स्किन में तो थोड़े देर में यू विल सी कि ब्लीडिंग अपने आप रुक गया. तो ये एंटीकोगुलेंट, सॉरी ये कोगुलेशन के वजह से होता है. हमारी ब्लड जो होती है वो कोगुलेट होकर के वुंड को बंद कर देती है. पर लीच जो है, लीच नहीं चाहेगा कि ऐसा हो. एक बार लीच ने पंचर कर दिया तो लीच चाहेगा कि ये पंचर जो है ये ओपन रहे ताकि उसको कंटिन्यूअसली ब्लड मिलता रहे. तो लीच क्या करता है, लीच एक एंटीकोगुलेंट है वो सिक्रीट करेगा जिसको हीरोडिन कहते हैं. हीरोडिन के वजह से जो हमारा पंचर वुंड है वो बंद नहीं होगा और ब्लड कंटिन्यूअसली लीच के अंदर फ्लो होता जाएगा. तो लीच की ये जो प्रॉपर्टी है हीरोडिन वाली, ये मेडिसिनल मेडिकल फील्ड में भी काफी लार्जली यूज किया जाता है. जब हमें ब्लड को कोगुलेट नहीं करना होता है तब हम हीरोडिन यूज करते हैं. तो ये लीच और अर्थवर्म का एग्जाम्पल था एनिलिड में. एनिलिडा, यस पूजा, वो ब्लड सक करेगा और मैमल्स का ब्लड सक करता है मोस्टली. तो ये एनिलिड था. एनिलिड तक हमने सभी वॉर्म्स देखे, प्लैटीहेल मेंथिस, एस्कियल मेंथिस और एनिलिडा. ये मोस्टली वॉर्म के ही फाइलम्स थे. हाउएवर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम. इसमें अराउंड 900,000 स्पीशीज होंगे, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट होंगे ऑर्थ्रोपोड में. ऑर्थ्रोपोड के केस में यू विल फाइंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें भी ऑर्गन सिस्टम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे अलोंग विथ बायलैटरल सिमेट्री और साथ में सेगमेंटेशन भी दिखाएंगे. ऑर्थ्रोपोडा ये जो नाम होता है इसका मतलब, ऑर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस. अपेंडेजेस मतलब हैंड और लेग, हमारे केस में वो अपेंडेज है. इनके केस में मल्टीपल अपेंडेज इनके पास प्रेजेंट होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 6 टू मल्टीपल नंबर, 100 में भी चला जाता है इनका अपेंडेजेस का नंबर. हाँ, अभी ये जो पॉइंट है,
दे पोजेस एन एक्सोस्केलेटन, इनके पास एक स्केलेटन होती है जो एक्सटर्नली प्लेस्ड होती है. अगर हम लोग कॉकरोच को उल्टा कर देंगे तो वी कैन सी द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच. तो वो जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है. काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. किस केस में डिस्कस किया था, किसी को याद है? एनीवन रिमेम्बर्स? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इट वॉज आई थिंक इट वॉज किंगडम फंगाई. फंगाई जो होते हैं उनके सेल वॉल्स जो होते हैं वो बने होते हैं काइटिन के. काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट. यस आंचल, किंगडम फंगाई. किंगडम फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. वही काइटिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो अर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है. ओके, इनका सीलोमिक कैविटी जो है, जो सीलोम के बारे में हम बात करते हैं, वो एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं, जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है. ऐसे सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. हमारे केस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. हमारे केस में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होते हैं. ब्लड के लिए एक इलैबोरेट पाइपलाइन होता है जिसको हम ब्लड वेसल कहते हैं, और उसमें हमारा ब्लड फ्लो होगा. ऐसे हमारी कैविटी में ब्लड नहीं मिलेगा. लेकिन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड, ब्लड जो है वो उनकी कैविटी में ही फिल्ड होगा. सो इट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स विल बी एब्सेंट. ये जो है, जैसे कि मैंने बताया था, ये लार्जेस्ट फाइलम है. ये इतने वाइड स्प्रेड है बिकॉज ऑफ देयर काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. ये काफी सर्वाइवेबल है, मतलब इनका सर्वाइवल कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है. ये कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह मिलेंगे. एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल या फिर पैरासिटिक, हर फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा. एग्जाम्पल क्रस्टेशियन, ये जो है यहाँ पे क्लास लिखे हुए हैं, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और एरेकनिडा. क्रस्टेशियंस जो होंगे वो प्रॉन, लॉबस्टर्स, वो सब इस फैमिली में आ जाएंगे, इस क्लास में आ जाएंगे क्रस्टेशियंस के. इंसेक्टा जो है इस क्लास में सभी इंसेक्ट आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बीज, एंट्स, वास्प, ये सब इंसेक्ट इंसेक्टा में आ जाएंगे. एरेकनिड में स्पेशल कैटेगरी है स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स इनका, तो ये एरेकनिड में आ जाएंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब भी एग्जाम्पल आर्थ्रोपॉड के हैं. तो आर्थ्रोपॉड तक सभी को क्लियर हो गया जितना फाइलम था. किसी को कोई पार्ट, कोई चाहता कि मैं कोई पार्ट रिपीट करूं या फिर कुछ ऐड करना है किसी को? ओके, तो ये आज का हम लास्ट फाइलम देख लेते हैं. इसके बाद जो फाइलम्स होंगे हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ये जो फाइलम है मॉलुस्क है, काफी छोटा है. मॉलुस्क जो फाइलम है, मॉलुस्क इस वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी. इस फाइलम में जो भी एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होगी, स्क्विड लाइक बॉडी होगी. मोस्टली एक्वेटिक होंगे, थोड़े बहुत होंगे जो टेरेस्ट्रियल होंगे, बट दे लिव नियर वाटर. एग्जाम्पल में स्नेल आ जाएगा, स्नेल, ऑयस्टर. ऑयस्टर हमने देखा है, पर्ल ऑयस्टर जो होता है वही वाला ऑयस्टर, उनियो, ऑक्टोपस, ये सभी एग्जाम्पल है मॉलुस्क के. मॉलुस्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट बॉडी है. और एट द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलुस्क की बॉडी जो होगी, ओके आई विल रिपीट इट अगेन. तो पहले मॉलुस्क देख लेते हैं. मॉलुस्क की जो बॉडी होगी उसके ऊपर एक शेल प्रेजेंट होगा. शेल जो होगा वो मोस्टली कैल्शियम का बना हुआ होगा. तो ये कैलकेरस शेल अलोंग विद सॉफ्ट बॉडी, ये दोनों मॉलुस्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. मॉलुस्क जो है वो नेचुरल पर्ल्स हमें देते हैं, ज्वेलरी के जैसे यूज किए जाते हैं, और एज अ फूड भी यूज करते हैं हम. बस इतना ही पॉइंट हमें मॉलुस्क के बारे में ध्यान में रखना है. मॉलुस्क का एग्जाम्पल ये पायला जो होता है वो है, स्नेल जिसको हेलिक्स कहते हैं. ऑक्टोपस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉलुस्क. ऑक्टोपस के पास शेल नहीं होगा. उनियो, उनियो जो होता है वो लोग खाते हैं. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलुस्क. तो ये टोटल 8 फाइलम थे. 7th वन ऑर्थ्रोपोडा था. निवेदिता, यू वॉन्ट मी टू रिपीट ऑर्थ्रोपोडा, राइट?
ओके, ऑर्थ्रोपोड जो होगा उसमें ऑर्गन सिस्टम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट अलोंग विथ बायलेटरल सिमेट्री, ये सभी पॉइंट्स कॉमन थे एनेलिड से. सेगमेंटेशन वाज आल्सो कॉमन इन एनेलिडा, एनेलिडा में भी सेगमेंटेशन था, ऑर्थ्रोपोड में भी यू विल फाइंड सेगमेंटेशन. ऑर्थ्रोपोडा इस नाम का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस. ऑर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस. इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो काइटिन का बना हुआ होता है. एक्सोस्केलेटन अगर हमको देखना है तो वी कैन सी इट इन कॉकरोच. कॉकरोच जो होगा अगर हम उसको फ्लिप कर देंगे तो उसका एक्सोस्केलेटन वी कैन सी. सिलोमिक कैविटी जो होगी, जो हम कैविटी के बारे में बात करते हैं, जो गट और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस होता है, वो स्पेस इनके केस में ब्लड से भरा हुआ होगा. ब्लड जो होगा वो ओपनली फ्लो होगा, पूरे बॉडी में फ्लो होगा. हमारे केस में क्या होता है, ब्लड का जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्लोज्ड होता है, वो वेसल्स में बंद रहता है, बस वेसल में ही फ्लो होता है. हाउएवर इनके केस में ब्लड कैविटी के अंदर भरा हुआ होगा और पूरे बॉडी में रहेगा. हैबिटेट हर जगह मिलेंगे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट. ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का. इसमें टोटल स्पीशीज 900,000 के अराउंड है. आ जाएगा इसमें क्लास क्रस्टेशिया का, इंसेक्टा का और एरेकिनिड का. क्रस्टेशियंस में हम लॉबस्टर, क्रैब ऐसे एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. एरेकिनिड में जिनके 8 लेग्स होते हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब एरेकिनिड में आ जाएंगे. इंसेक्टा में सभी इंसेक्ट क्लासिफाई हो जाएंगे, बीज, वास्प, एंट, मॉस्किटो, ये सब इंसेक्टा में आ जाएंगे. सो दिस वॉज ऑर्थ्रोपोडा. इसके बाद हमने मॉलुस्क देखा था. इसके बाद भी हमारे 3 फाइलम बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो एवरीवन, इज एवरीथिंग क्लियर? कुछ पूछना है किसी को, कुछ ऐड करना है? ओके, आई विल सेंड दिस presentation to you in group. Okay. Thank you, everyone.